भूले कि आपकी बेटी सीरियल में भी काम करती है। सब मर गया मेरे लिए, एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जहां आप देख के चौंक जाइएगा। तो आइए, अभी हमारे साथ एक दादी हैं जो कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती हैं। क्या नाम है दादी आपका? पूर्णिमा देवी। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज पूर्णिमा देवी। माय कास्ट इज ब्राह्मण। क्या है कास्ट आपका? ब्राह्मण। आप ब्राह्मण हैं? अच्छा, कहाँ रहने वाली, कहाँ की हैं? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। अच्छा, आपको बंगाली आता है? तुम की करबे? তুমি কথা বাড়ি আছে? আমার বাড়ি অনুগ্রহ সেবা সদন পৌঁছা দেন। শুনে কি আপনি বেটি সিরিয়াল মে ভি কাম করতি হ্যায়? কি সিরিয়াল মে কাম করতি হ্যায়? पता नहीं कौन कौन सीरियल में है। सपने लड़प्पन में तो अब बोल रही थी। हाँ, सपने लड़प्पन। क्या नाम था? गुंजन। अच्छा, गुंजन का रोल ली थी। हाँ। तो क्या आपकी बेटी आपके नहीं रखती है? ना। आप यहाँ कितना दिन से हैं? 9 साल से है। 9 साल से आप यहीं कालीघाट में ही रह रही हैं? आते थे जाते थे, रिक्शा में आते थे। रिक्शा से फिर आप उसके बाद घर नहीं गए? रिक्शा नहीं मिला था, हम घर नहीं गए। तो कभी यहाँ के लोगों से नहीं बोले कि हमको घर छोड़ दीजिए? बोले, कोई नहीं सुनने वाला है। तो आपके बेटा और बहू नहीं है कोई? ना। बेटी कभी फोन नहीं करती है? फोन नहीं दी है? नहीं दिए बेटा। आपके हस्बैंड जैसे सुने कि डॉक्टर भी थे? वो मर गया था, वो जिंदा रहता तो हम यहाँ रहते। अगर आपको बेटी ले जाएगी तो क्या आप जाएंगे यहाँ से? जाएंगे। यहाँ आपका खर्चा कैसे चलता है? जो देगा। अच्छा, लोग देते हैं आपको? आप यहीं पर रहती हैं? जैसे कि आप सुने यहाँ दादी का इतना दुखद कहानी, इनकी बेटी सीरियल में काम करती है लेकिन इनको कोई पूछता नहीं, यहाँ 9 साल से रह रही है। तो आइए, यहाँ के और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं आखिर यहाँ पे ये कैसे रहती हैं। बाबू, ये दादी जो रहती हैं ये कितना दिन से यहाँ पर रह रही हैं? बहुत दिनों से। तो क्या इनका कोई लेने के लिए नहीं आते हैं? आते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। ये तो बोल रहे हमको कोई लेने के लिए आता है? आते हैं लेकिन जब आते हैं तभी वो बोलते हैं हमको जाना नहीं है। अभी जाएंगे, बात कीजिए उनसे। हाँ, वो बोल रही है कि हम जाएंगे। बताइए हमसे क्या भाई। आपका अगर बेटी आएगी तब जाएंगे? नहीं नहीं जाएंगे। अभी आप बोले कि हम जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटी आने में, हम दूसरे बेटा के साथ जाएंगे। क्यों, आप अपना घर नहीं जाना चाहती हैं? नहीं, सब मर गया मेरे लिए, सब मर गया। तो आपका घर और आपका होगा ना हस्बैंड का? नहीं, हो नहीं सकता होगा, नहीं जाएंगे हम। नहीं देता तो वहाँ आपको नहीं देता है लोग? नहीं देता, नहीं जाएंगे। अच्छा, इनका जो आप बोल रहे हैं यहाँ, आज जो सावन का सोमवारी है उसलिए बच्चे आए हैं यहाँ, इनको विशेष रूप से जानकारी नहीं है। हम आप... अच्छा, इनके बच्चे आए हैं? इनका बच्चे इनके साथ में रहता है लेकिन ये तो बोल रहे हम अकेले रहते हैं, कोई हमको पूछता नहीं है। पूछता नहीं तो मीडिया वाला कैसे, आप कैसे पूछ रहे हैं? मतलब इनके इनके फैमिली वाले इनको नहीं पूछते हैं? फैमिली से बाहर है, थोड़ा डरिंग लेते हैं इसलिए। तो हमको नहीं बोले, इनका कहने का मतलब इनकी बेटी सीरियल में काम करती है, वो लोग इनको नहीं क्या करेगा? ये थोड़ा सा लेते हैं तो इनका क्या करेगा लोग? ये ड्रिंक करती हैं। अब इतना स्पष्ट में आप ये चैनल पर करके आपको अच्छा लगता है? नहीं नहीं, आप बोलेंगे ड्रिंक करती है? नहीं नहीं, एक बात बताइए, इतना ही बहस कीजिए कि जितना बच्चे हैं बच्चे की तरह आप बोलेंगे ड्रिंक करती है, इस एज में ड्रिंक कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? आप बोल ले कि ये ड्रिंक, आप इनका ये स्थिति है, आप जब आ सकते हैं तो संसार आ सकता है ना, आप खुद को सोचिए कि हमसे। लेकिन ये ड्रिंक क्यों करेंगे इसे? आप
आप मीडिया से हैं, आप ऐसे से बहुत ही इनके पास, लेकिन आप YouTube खोल के देखिए, इनका बहुत तरह का व्यवस्था है, इसलिए आप बेदर्ज नहीं हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये इनके फैमिली वाले ले जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? फैमिली में इनका कोई है नहीं, बेटा है, बेटी तो सीरियल में काम करती है, आप देखी हैं, आप जानती हैं, बोल तो रही हैं, बोल रही हैं, बोलने से क्या, बोलने से यहाँ से जब से रहती हैं तब से इनका बच्ची यहाँ पर नहीं आई है, नहीं हम लोग भी नहीं देखे हैं, बच्चे है, बच्चे हैं उनका, हुआ था ऐसा बात है, इनका सारा व्यवस्था है, बस ये है कि जाना नहीं चाहते, और जाना नहीं चाहते, शुरू से नहीं गई है, नहीं बच्चे जिस दिन, आज यहाँ 25 बरस से ये रह रहे हैं, 25 बरस से बच्चे यहाँ कभी नहीं आए हैं, बच्चे आए नहीं हैं, तो इनको लोग जो बच्चे हैं वो पागल है, इस तरह का बात है। और रह गया वृद्धा आश्रम से, एनजीओ से, या कई चैनल से, चाहे कई प्राइवेट आदमी जो जो बड़े का हैं वो आए हैं हम लोग से जुड़े हुए हैं। हम दार्जिलिंग के रहने वाले, इतना अच्छा इंग्लिश भी बोलती हैं। हाँ, इंग्लिश बोलती, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, कलाकार हैं, ऐसा बात नहीं है। पहले का सोचिए कि 9th 10th कितना मायने रखता था, जी, इतना अच्छा इंग्लिश बोल रही, अभी के बच्चे नहीं बोल पाएंगे। जी 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 जी, जैसे कि आप सुने कि कितना अच्छा इंग्लिश भी बोलती हैं, बात भी करती हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी सुनने का है कि ड्रिंक भी करती हैं। अब इनके फैमिली वाले जाना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए।